हाँ जी किसान भाइयों, क्या हाल चाल है? आशा करते हैं सब आप ठीक होंगे। तो बेसिकली मेरा आज वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मशीन के आरपीएम जो रहते हैं, गियर के आरपीएम हैं, चाहे वो मेन पुली है, ठीक है, उसको किस तरीके से सेट करें, तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे पुलियाँ, जी जो पुलियाँ हैं ना, इसमें अभी हम ये रखे हैं 11 नौ की, तो ये वाले जो 3 बेल्ट में हैं, तो इसमें क्या है कि देखो ये जो पुली है ना, इसमें जो बड़े ट्रैक्टर हैं जैसे 40-42 HP के ऊपर हैं, 42 HP से ऊपर है जैसे, ठीक है, 45 है, 48 है, तो उसमें जो जो 2 इंच का डिफरेंस चलेगा, ठीक है, जो नीचे अपन इसमें 11 की डालेंगे और ऊपर 9 की डाल देंगे, ठीक है, तो इसमें 2 इंच का गैप चलेगा जो कि जिस ट्रैक्टर के 540 RPM है, ठीक है। अगर ट्रैक्टर के 1000 RPM है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे 9 की डालनी पड़ेगी, ऊपर 11 करना पड़ेगा, तो 1000 RPM पे इस तरीके से रहेगा। लेकिन वही आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें वही रहेगा कि जो ट्रैक्टर 42 HP से प्लस में, जो छोटे ट्रैक्टर हैं, छोटे ट्रैक्टर जैसे 38, 37, 39, 40, उसको हम उसमें हमने जो है वो कि 1 इंच का डिफरेंस करते हैं, जो 1 इंच जैसे नीचे 10 की रहेगी तो ऊपर 9 की रहेगी, तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान आपको रखना है पुलियों में, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं गियर के आरपीएम। गियर में क्या होता है कि जैसे अब बेसिकली क्या होता है कि जो कुट्टी है वैसे 55 जो दांते में रहती है वो कुट्टी बारीक आती है। फर्स्ट गियर में जैसे हम एग्जांपल मान कर चलें 3 mm, ठीक है, सेकंड गियर में 5 mm और थर्ड गियर में 7 mm, ये एग्जाम्पल में हम इसको ले सकते हैं। अगर हमको कुट्टी और बारीक चाहिए तो इसमें हमको गारी जो इसमें जो है गरारी है उसको हमको 65 दांते की हमको इसमें करना पड़ेगा। 65 दांते करते इसके जो है वो गियर के जो आरपीएम है, तो इसकी चाल है वो और कम होगी, और जितनी ज़्यादा चाल कम होगी उसमें कुट्टी उतनी ज़्यादा बारीक आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट गियर में कुट्टी बिल्कुल बारीक आएगी, सेकंड गियर में और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थर्ड गियर में और मोटी जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिसमें गरारी डाल रखी है वो आगे मैंने इसमें जो मेन शाफ्ट पे है वो 20 की है, और यहाँ पर जो गियर पे है वो 65 की है, 65 दांते की। ये देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये फर्स्ट गियर में जो कुट्टी बारीक है, सेकंड गियर में ये फर्स्ट गियर, यहाँ पर सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, तो फर्स्ट गियर में बारीक कुट्टी है, सेकंड गियर में थोड़ी मोटी और थर्ड गियर में और मोटी, ठीक है। ये यहाँ पर चादर लगी हुई है देखिए, एक ये हेड का मुंह जो है ना आपने इस तरीके से रखना है, ये देखिए इस तरीके से हेड का मुंह जो है यहाँ रखना है, और इसमें जो दाब ऊपर से जो स्प्रिंग की दाब है वो फुल खींच के रखनी है, मतलब फुल रखनी है जिससे कि छोई की प्रॉब्लम ना आए। जो छोई आ जाती है ना वो मतलब जो है कि ये इसको दाब को फुल रखना है, ठीक है। ये ऊपर का जो बोल्ट दे रखा है एडजस्टमेंट के लिए ये वाला, इसको टाइट कर देना है जिससे कि दाब बढ़ जाए और छोए की प्रॉब्लम जो है अक्सर आती है वो नहीं आएगी।